बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटिव। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज में इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड में ज़बरदस्त जो है वो सामने ऐलान किया गया है, जिसकी मुकम्मल तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ है, उसका 19 स्केल है, एक पोस्ट है। पंजाब पूरे मेरिट से जो है वो कोई भी अप्लाई कर सकता है, आइदर देयर मेल और फीमेल। मास्टर डिग्री वाले हैं, यहाँ पर ये कंप्लीट डिटेल्स लिखी है। मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है। फिर डिप्टी डायरेक्टर एडमिन एंड अकाउंट्स है, 18 स्केल, एक सीट पंजाब के लिए है, मास्टर डिग्री है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कौन कौन से जो है वो क्वालिफाइड जो है वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 35 मैक्सिमम ईयर्स। और उसके बाद जो है वो सेक्रेटरी है, IWMB, जिसे इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड कहते हैं। 18 स्केल है, एक सीट है, पंजाब के लिए है, मास्टर डिग्री, 35 ईयर्स ओल्ड। फिर डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च एंड प्लानिंग है, 18 स्केल, एक सीट, पंजाब। फिर डिप्टी डायरेक्टर जो है वाइल्ड लाइफ, 18 स्केल, एक सीट, पंजाब। असिस्टेंट डायरेक्टर है, 17 स्केल है। फिर उसके बाद जो है असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ 17 है, एक सीट है। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड आउटरीच है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर कम्युनिटी एंड रिलेशन 17, दो सीट्स हैं, पंजाब के लिए एक है और सिंध रूरल के लिए। मतलब सिर्फ इन कैंडिडेट्स के जो है वो एरिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च एंड प्लानिंग वाइल्ड लाइफ है, 17, एक सीट है, पंजाब के लिए। फिर उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च एंड प्लानिंग GIS है, 17, एक सीट, पंजाब। फिर एडमिन ऑफिसर उसका 16 स्केल होगा, एक सीट, पंजाब। 14 ईयर्स एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी एक्सपीरियंस ना हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 30 ईयर्स मैक्सिमम एज होगी। असिस्टेंट है 15, एक सीट है, इस्लामाबाद के लिए सिर्फ, बैचलर डिग्री उसकी 28 मैक्सिमम एज होगी। फिर अकाउंट असिस्टेंट 15 है, एक सीट है, इस्लामाबाद के लिए। उसके बाद वाइल्ड लाइफ जो गार्ड है उसकी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, 7 स्केल है और 19 सीट्स हैं। ओपन मेरिट मतलब पूरे पाकिस्तान से कोई भी करेगा, उसकी एक सीट है, इस्लामाबाद के लिए 9 है, मेरिट 8 है और वुमेन कोटा के लिए 1। फिर पंजाब के लिए 5 सीटें हैं, जिसमें मेरिट 4 है और फीमेल के लिए 1 है। सिंध अर्बन के लिए मेरिट 1 सीट है, सिंध रूरल के लिए 1 सीट है। KPK के भी अप्लाई कर सकते हैं और बलूचिस्तान के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल मैट्रिक पास है और जो रिटायर्ड आर्मी पर्सन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और सिटीजन भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, फिजिकली फिट होना चाहिए, कोई जो है वो इसमें नहीं है। 35 मैक्सिमम है। फिर नैब कासिद की सीट है, एक सीट है, इस्लामाबाद के लिए, प्राइमरी पास। 35 जो है मैक्सिमम एज होगी। अब इसमें 5 साल की जो है वो देखें, जनरल एज रिलैक्सेशन वो जो है वो 5 साल की आपको दी जाएगी, इसके अलावा भी, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज इससे ज़्यादा है। तो 15 डेज के अंदर अंदर अप्लाई करने हैं। इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और ये देखें कि इनका ऑनलाइन जॉब पोर्टल है, ये देखें यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर करेंगे क्लिक, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑफिशियल जो है वो जॉब पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इनकी जो है वो नेशनल जॉब पोर्टल है पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से, तो वो ओपन होगा। यहाँ पर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसका अप्लाई करने का तरीका जो है वो आप देख सकते हैं, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और इसमें जो है यहाँ पर आप देखेंगे, इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पर ये तमाम जॉब्स की जो है वो डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्वीपर है, डायरेक्टर है, और भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ है, सेक्रेटरी है। ये तमाम जिस जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और अप्लाई नाउ के ऊपर हो जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी एक कंप्लीट वीडियो। इस तरह की और भी लेटेस्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है वो एजुकेटिव्स के साथ अपडेट रह सकते हैं। एजुकेटिव्स पे जाएंगे और जॉब्स के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको जो है वो डेली अप टू डेटेड जो है वो जॉब्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।